तो दोस्तों आज के स्मैकडाउन में यानी कि 15 नवंबर 2024 के स्मैकडाउन में बहुत कुछ खास होने वाला है, क्योंकि आज के स्मैकडाउन में ही सेथ रॉलिंस और रोमन रीन्स का काफी टाइम के बाद आमना सामना होगा। लेकिन ये आमना सामना दुश्मनों की तरह नहीं होगा, ये आमना सामना दोस्तों की तरह होगा। और उसके बाद सेथ रॉलिंस और रोमन रीन्स के बीच में आज के ही स्मैकडाउन से एक बॉन्डिंग बनना शुरू होगी और दोनों एक बार फिर से एक दूसरे के भाई बनते हुए नजर आएंगे। और ये भी हो सकता है कि सेथ रॉलिंस रोमन रीन्स को बचाए। क्या होगा आज के स्मैकडाउन में, ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, मिस करने की गलती से भी मत कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को अगर आपने मिस कर दिया तो आप लोग शील्ड को रीयूनाइट होते हुए देखना मिस कर देंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताता हूं कि स्मैकडाउन कब देगा और इसे हम लोग कहां कहां देख सकते हैं। तो स्मैकडाउन आज सुबह में यानी कि 16 नवंबर की सुबह को 5:30 बजे से देगा और इसे हम लोग सोनी लिव ऐप पे या सोनी 10/1 और सोनी 10/3 पे देख सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों के पास इन सब में से कुछ भी नहीं है तो टेंशन लेने की थोड़ी भी बात नहीं है। मैं अपने चैनल पे स्मैकडाउन का लाइव अपडेट दूंगा। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन को दबाया नहीं, तो बेल आइकन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप लोगों को स्मैकडाउन की लाइव अपडेट मिलती रहे। तो आइए दोस्तों अब करते हैं इस वीडियो को शुरू। जैसा कि मैंने अपने कई सारी वीडियोस में आप लोगों को बताया है और अब तो होने भी वाला है कि रोमन रीन्स और सोलो सिक्वा की दुश्मनी अब सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम तक जाएगी। और ये बात मैंने कई बार कही है कि वॉर गेम 5v5 का मैच होता है, 4v4 का नहीं। लास्ट वीक के स्मैकडाउन में हमने ये देखा कि फाइनली अब सैमी ज़ेन भी रोमन रीन्स के साथ आ चुके हैं। तो रोमन रीन्स की ओजी ब्लड लाइन रोमन, सैमी, जे और जिमी चारों के चारों कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन एक मेंबर की जरूरत है, रोमन को भी और सोलो को भी। तो रोमन रीन्स की ब्लड लाइन और सोलो सिक्वा की ब्लड लाइन एक एक मेंबर तलाशने के लिए रॉ में गए। लेकिन प्रॉब्लम बस इतनी सी थी कि रॉ में और स्मैकडाउन में कोई भी रोमन रीन्स को पसंद नहीं करता, कोई भी रोमन रीन्स के साथ रहना नहीं चाहता, कोई भी रोमन रीन्स के साथ काम करना नहीं चाहता। तो आप कौन देगा रोमन रीन्स का साथ, ये सबसे बड़ा सवाल था। सैमी ज़ेन के दिमाग में एक रोस्टर का नाम आया जो कि रोमन रीन्स का साथ दे सकता है, वो रोस्टर और कोई नहीं है बल्कि सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस। सैमी ज़ेन सेथ रॉलिंस के पास गए, उनसे मदद मांगा, लेकिन सेथ रॉलिंस ने साफ साफ इनकार कर दिया। उसके बाद सेथ रॉलिंस के पास सोलो सिक्वा भी गए और सोलो सिक्वा ने भी सेथ रॉलिंस से मदद मांगी, लेकिन सेथ रॉलिंस ने सोलो सिक्वा को भी इनकार कर दिया। लेकिन ये सेगमेंट देखने के बाद एक बात तो कंफर्म हो गई कि सेथ रॉलिंस रोमन रीन्स को ज्वाइन करेंगे। कैसे, मैं आप लोगों को बताता हूं। जैसा कि हमें पता है कि नेक्स्ट वीक का रॉ पहले ही से रिकॉर्ड हो चुका है, तो नेक्स्ट वीक के रॉ में सेथ रॉलिंस और ब्रॉन्सन रीड का मैच हो रहा है और इस मैच में सोलो सिक्वा ने सेथ रॉलिंस को हरवा दिया और उसके बाद सेथ रॉलिंस पर अटैक करने लगे, लेकिन सेथ रॉलिंस को वहां बचाने के लिए रोमन रीन्स की ओजी ब्लड लाइन आ गई। लेकिन सेथ रॉलिंस और ब्रॉन्सन रीड का मैच तो नेक्स्ट वीक है यानी कि स्मैकडाउन के बाद वाले रॉ में। सोचने वाली तो बात यह है कि स्मैकडाउन में ऐसा क्या हुआ कि रॉ में सोलो सिक्वा को आना पड़ा। मैं बताता हूं, आज के स्मैकडाउन में सेथ रॉलिंस और रोमन रीन्स का आमना सामना होगा। सेथ रॉलिंस रोमन रीन्स के पास आएंगे और शायद ये भी हो सकता है कि रोमन रीन्स के ऊपर सोलो सिक्वा और उसके चंगू मंगू अटैक कर दे और उसके बाद सेथ रॉलिंस रोमन रीन्स को बचाने के लिए यहां पर आ जाए, जिसे देख के सोलो सिक्वा को यह समझ में आ जाए कि सेथ रॉलिंस अब रोमन रीन्स का ही साथ देंगे और इसलिए इसका बदला निकालने के लिए सोलो सिक्वा नेक्स्ट वीक के रॉ में सेथ रॉलिंस को हरवा देंगे। और अब ये फाइनल हो चुका है कि सोलो सिक्वा की टीम को ज्वाइन करेंगे ब्रॉन्सन रीड और रोमन रीन्स की टीम को ज्वाइन करेंगे सेथ रॉलिंस। तो आज के स्मैकडाउन में रोमन रीन्स और सेथ रॉलिंस का रीयूनियन एक बार फिर से होता हुआ दिखेगा। तो आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोग द शील्ड को रीयूनाइट होते हुए दिखना पसंद करेंगे या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूं आपसे थोड़ी देर में डब्ल्यूबी के नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।